सब्सक्राइब कीजिए इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले हम बात करते हैं वेबसाइट के बारे में। तो वेबसाइट के बारे में आपको पता ही होगा कि वेबसाइट क्या होती हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं देता हूँ आपको कुछ शॉपिंग वेबसाइट्स के जो आप भी जानते होंगे, जैसे amazon.com, amazon.in, flipkart.com। तो ये शॉपिंग वेबसाइट्स हैं जिन पे हम परचेजिंग करते हैं, सामान को ख़रीदते हैं यहाँ से हम। इसी तरीके से और भी वेबसाइट्स होती हैं, जैसे सीखना है हमें कोई कोर्स करना है तो उसके लिए यूडेमी हो गया आपका। तो इस तरीके से काफ़ी सारी वेबसाइट्स होती हैं। तो ये तो हो गया वेबसाइट। वेबसाइट दो टाइप्स की होती हैं, स्टैटिक और डायनामिक। तो उनके बारे में भी आप बाद में जान लेंगे। तो वेबसाइट को डिज़ाइन करने के किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है वो हम आपको बताते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है वेब होस्टिंग, कि हमारे पास एक होस्टिंग होनी चाहिए, वेब होस्टिंग, जिस पर हमारी वेबसाइट लाइव रहेगी। यानी एक सर्वर होता है जहाँ पर हमारी जो वेबसाइट है वो लाइव रहती है, होस्ट होती है, उसको हम वेब होस्टिंग कहते हैं। तो इसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊँगा कि कहाँ से कौन सी अच्छी रहती है होस्टिंग, कहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ होती है आपका डोमेन, कि किस डोमेन पर आपको वेबसाइट लाइव करनी है। जैसे example.com, तो इसी टाइप से आप कोई भी डोमेन रखना चाहते हैं, कुछ भी xyz.com कुछ भी रख सकते हैं। और ये भी मैं बताऊंगा कि आपको डोमेन कहाँ से सस्ता परचेज़ करना है। और इसके अलावा बेसिक इंटरनेट नॉलेज, तो ये थ्री कंडीशंस रहती हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट हैं। और उसके बाद जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा तो आप अच्छे डिज़ाइनर बनते जाएंगे। और इस कोर्स को करने के बाद एज अ वेब डिज़ाइनर आप किसी भी कंपनी में काम कर सकते हैं। फ्रेशर और एक्सपीरियंस हो जाए तो एज एक्सपीरियंस पर्सन डेवलपर आप काम कर सकते हैं किसी भी कंपनी में। तो अब हम आपको बताएंगे कि सबसे पहले हमें जो वेब होस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है तो वो हम कहाँ से ख़रीदेंगे वेब होस्टिंग को। तो आप गूगल पर सिंपल सर्च कर सकते हैं redongroup.in, तो आपके सामने फर्स्ट नंबर पर ही आ जाएगा रेडॉन ग्रुप। आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे, जहाँ से मैं पर्सनली परचेज़ करता हूँ ये वो वेबसाइट है, तो यहाँ से मुझे सस्ती पड़ जाती है चीप, तो इसलिए मैं परचेज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे काफ़ी पैकेज हैं जिसमें कि स्टूडेंट के लिए यानी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आप ख़रीदना चाहते हैं तो काफ़ी सस्ती मिल जाएगी होस्टिंग, जिसमें आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, वेबसाइट डिज़ाइन करके काफ़ी सारी वेबसाइट बना सकते हैं अपने लिए, और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो आप देख सकते हैं जैसे कि वीडियो में आपको दिख रहा है कि आप सर्विसेज के टैब पर जाइए, वहाँ पर आप वेब होस्टिंग पर जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो आपको ये दिख जाएगा वेब होस्टिंग। और इसके अलावा आप प्रोडक्ट सेक्शन में भी जा सकते हैं, प्रोडक्ट मेनू पर, वहाँ से भी आपको वेब होस्टिंग दिख जाएगा, वहाँ से भी आप परचेज़ कर सकते हैं अगर करना चाहो तो। और इसमें अपने अकॉर्डिंग आप प्लान चूज़ कर सकते हैं, तो इसमें प्लान चूज़ कर लीजिए। मैं अपने स्टूडेंट पर्पज़ के लिए ख़रीदना चाहता हूँ और 2 साल के लिए, तो मैं ये कर लेता हूँ प्लान चूज़ 2 ईयर का। और जैसे आप प्लान चूज़ करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि आपको क्या क्या मिलेगा। तो अनलिमिटेड डोमेन्स, और आपको 2GB SSD डिस्कार्ड स्पेस, अनलिमिटेड बैंडविड्थ, SSL सर्टिफिकेट और ईमेल अकाउंट्स, बिजनेस ईमेल अकाउंट्स, यानी काफ़ी चीज़ें मिल रही हैं। और 24x7 का सपोर्ट भी मिल रहा है आपको, तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। 2 साल का मुझे 900 रुपये का पड़ रहा है, तो मैं ये 2 साल के लिए कंटिन्यू कर लेता हूँ, स्टूडेंट वाला प्लान है ये। अगर आप मतलब किसी बिजनेस पर्पज़ के लिए वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप प्रोफेशनल वाली होस्टिंग को ख़रीद सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डिटेल बिलिंग डिटेल्स फिल कर देता हूँ।
सिंपल कुछ नहीं करना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम फिल करना है, कंट्री सिलेक्ट करनी है, स्ट्रीट एड्रेस अपना एड्रेस एंटर करना है, और काफ़ी इजी है। आप यहाँ से जब आपके पास होस्टिंग हो जाएगी इसके बाद ही आप इस कंपनी को ईमेल कर दीजिए अपना डोमेन नेम, और जैसे ही डोमेन या फिर ये खुद आपसे ईमेल में पूछ लेंगे या कांटेक्ट कर लेंगे तो आपके डोमेन के अकॉर्डिंग आपको एक अकाउंट बना कर दे देंगे होस्टिंग का। वो आपका सेपरेट अकाउंट रहेगा, आप उसमें कभी भी लॉगिन कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट को लाइव कर सकते हैं सर्वर पर। तो अभी मैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपनी फिल कर देता हूँ, बिलिंग डिटेल्स, और मैं इसको परचेज़ कर लेता हूँ होस्टिंग को। फ़ोन नंबर अपना एंटर कर देता हूँ मैं, और ईमेल एड्रेस भी आपको एंटर करना होगा, और इसके बाद मैं अकाउंट अपना क्रिएट करना चाहता हूँ, अकाउंट पर क्लिक कर देते हैं, जिससे कि मैं फ्यूचर में मान लो लॉगिन करता हूँ तो मुझे डिटेल्स दिख जाएँ कि कितने ऑर्डर्स वगैरह मैं अपना मतलब ट्रैक कर सकूँ कुछ भी, और फ्यूचर में भी कुछ परचेज़ कर सकूँ। तो इसलिए मैं क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कर देता हूँ और अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ। इसी तरीके से सिंपल आप भी इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके और सब कुछ अच्छे से सीख सकते हैं। फिर भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है इन फ्यूचर तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो आपके कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। और मैं UPI पेमेंट सेलेक्ट करके और UPI से पेमेंट कर देता हूँ। ये QR कोड आ गया और मैं उसको स्कैन करके पेमेंट कर देता हूँ। ये मेरा सक्सेसफुल पेमेंट हो जाएगा और मेरे पास ये होस्टिंग आ जाएगी। फिर ये मुझसे डोमेन पूछेंगे या मैं इनको मेल कर दूँगा डोमेन अपनी ऑर्डर ID जो भी है उसके अकॉर्डिंग। ऑर्डर ID के साथ आप डोमेन अपना जो भी परचेज़ किया है वो मेल कर सकते हैं। और डोमेन मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। तो एक होस्टिंगर वेबसाइट है hostinger.in, वहाँ से भी आप डोमेन को परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक फेमस वेबसाइट है GoDaddy, इसके बारे में आपको पता होगा, काफ़ी एड्स आते रहते हैं गूगल पर, तो GoDaddy से भी आप परचेज़ कर सकते हैं। BigRock है जहाँ से पर्सनली मैं परचेज़ करता हूँ। ये वो वेबसाइट्स मैं बता रहा हूँ आपको, काफ़ी मतलब सस्ते मिल जाते हैं, लेकिन इन वेबसाइट पर होस्टिंग महंगी होती है, तो इसलिए मैं होस्टिंग रेडॉन ग्रुप से परचेज़ करता हूँ, वहाँ से मुझे सस्ती पड़ जाती है। और यहाँ पे आप अपना डोमेन चेक कर सकते हैं, जो भी डोमेन आपको रखना है, जो भी नेम है मतलब आपके बिजनेस का या किसी भी चीज़ का जो नेम है, वो डोमेन नेम हम रखते हैं, उसी को हम सर्च करते हैं कि वो अवेलेबल है या नहीं है। अगर अवेलेबल होगा तो हमारे पास आ जाएगा कि आप ऐड टू कार्ट करके बाय नाउ कर लीजिए, अगर अवेलेबल नहीं होगा तो लिख कर आएगा, जैसे ही लिख कर आ रहा है डोमेन इज़ टेकन, तो अब ये देख सकते हैं कि ये डोमेन अवेलेबल है, तो मैं इसको ऐड टू कार्ट करके परचेज़ कर सकता हूँ। ये एक साल की कॉस्ट इसकी 602 रुपये पर ईयर दिखा रहा है। और अदर साइड पर आप देखेंगे जैसे GoDaddy पर, तो एक साल की इस पर भी मैं कॉस्ट आपको दिखा देता हूँ कितनी आ रही है। आप कंपेयर कर सकते हैं इन तीनों वेबसाइट पर, और जिससे आपको सस्ता लगे उससे आप परचेज़ कर सकते हैं डोमेन नेम को, ठीक है। तो आप GoDaddy पर भी चेक कर लीजिए और BigRock पर भी चेक कर लीजिए और होस्टिंगर पर भी, तीनों में से जिससे आपको सस्ता लगे डोमेन आप वहां से परचेज़ करिए। एक साल का आपका होस्टिंगर पर 602 रुपये का आ रहा है। अगर आप 2 साल के लिए परचेज़ करोगे तो आपको करीब पड़ेगा ये 2 साल के लिए आपको पड़ेगा ये करीब 1908 रुपये का। और GoDaddy से भी आप देख सकते हैं कि 1 साल के लिए आप परचेज करोगे, 2 साल के लिए GoDaddy से आप परचेज करोगे तो आपको पड़ेगा ये 1248 रुपये का। तो यहाँ पर सस्ता है 2 साल के लिए, लेकिन 1 साल के लिए आप देखोगे तो GoDaddy पर महंगा पड़ेगा आपको डोमेन, और होस्टिंगर पर सस्ता पड़ेगा 602 रुपये का। अगर 2 साल का परचेज़ करोगे तो GoDaddy भी सही है, अच्छा 2 साल के लिए आप कंटिन्यू कर सकते हो।
और बिगरॉक से भी आप चेक कर सकते हो, इस पर भी करीब गोडेडी के बराबर ही आपको पड़ेगा, 1248 रुपए के आसपास। चेक कर लेते हैं एक बार, तीनों ही साइट अच्छी हैं, किसी से भी आप परचेज़ कर सकते हैं। एक साल के लिए आप बिगरॉक से करोगे परचेज़ तो 799 रुपए का पड़ेगा, और दो साल के लिए आप देख सकते हो 1248 का ही पड़ रहा है, ठीक है ना। तो दो साल में ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है तो दो साल के लिए जा सकते हो, और एक साल के लिए अगर परचेज़ करना है तो होस्टिंगर पर ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि 602 का दिखा रहा है, टैक्स वगैरह लग के 700 के आसपास पड़ जाएगा, जबकि इन पर महंगा पड़ेगा एक साल का प्लान। तो हमने होस्टिंग भी दो साल के लिए परचेज़ की है, इसलिए मैंने डोमेन भी दो साल के लिए परचेज़ कर लिया है। मैं इस वीडियो में आपको डोमेन परचेज़ करके नहीं दिखाऊंगा, मैंने ऑलरेडी एक डोमेन परचेज़ करके रखा हुआ है, तो वही डोमेन पर मैं जो आपको वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा उसके सब डोमेन पर। तो ये देख सकते हैं आप, ठीक है, तीनों का आप कंपैरिजन करके, हाँ, 1 ईयर का आपका होस्टिंगर का पड़ा 725 रुपये का, ठीक है, और 2 ईयर्स का आप 2 ईयर्स का देखोगे तो 1900 करीब पड़ रहा, तो उसमें इतना बेनिफिट नहीं हो रहा है। 1900 यानी दो साल का परचेज़ करने पर होस्टिंगर से नहीं कुछ बेनिफिट है। अगर दो साल का ही आपको परचेज़ करना है तो आप गोडैडी के साथ जा सकते हैं, अच्छी सर्विस देती है गोडैडी, तो वहाँ जा सकते हैं आप, ठीक है। और ये अब जैसे ही आपका डोमेन परचेज़ हो जाएगा, आप इनको ईमेल कर सकते हैं, रेडॉन ग्रुप को, जहाँ से आपने होस्टिंग परचेज़ की है, आप अपना डोमेन नेम और ऑर्डर आईडी जो आपको मिली है वो ईमेल कर दीजिए इनको, उनकी ईमेल आईडी दी हुई है टॉप पर, contact@redongroup.in, इस ईमेल आईडी पर आप ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। ये इनका चैट बॉट सिस्टम है, तो यहाँ से भी आप किसी भी सर्विस का कुछ भी पूछ सकते हैं, और यहाँ से आप डायरेक्ट इनको ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, जैसे आप कॉन्टैक्ट करना चाहें वैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और डायरेक्ट आप ईमेल कर सकते हैं, इनका ईमेल आपको फुटर में दिख जाएगा, इनकी ईमेल आईडी आपको फुटर में और कॉन्टैक्ट पेज पर दिख जाएगी, उस ईमेल आईडी पर आप अपने मतलब जो आपका आपने ऑर्डर किया है उसकी ऑर्डर आईडी या उसका स्क्रीनशॉट और आप अपना डोमेन नेम भेज दीजिए, ठीक है। और उससे पहले जैसे ही आप ये सारी चीज़ें भेज देंगे तो ये आपको एक cPanel अकाउंट बना कर दे देंगे, होस्टिंग अकाउंट वेब होस्टिंग का, जिससे कि आप फर्दर जो भी वर्क है वो आप उस पर कर सकते हैं, वेब डिज़ाइन का स्टार्ट आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, वेब डिज़ाइन कर सकते हैं। cPanel आपको अकाउंट मिल जाएगा, आप उसमें ईमेल अकाउंट बिजनेस ईमेल आप क्रिएट कर सकते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं आप, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और डिटेल्स, इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको देखिए ये ईमेल दिख रही है, contact@redongroup.in, ठीक है, तो इस ईमेल आईडी पर आपको ईमेल करना है, अपना डोमेन नेम विद ऑर्डर आईडी जो आपने पेमेंट किया है, या फिर उसका स्क्रीनशॉट कुछ भी भेज सकते हैं, जैसे भी आप पेमेंट कर रहे हैं, एक बार कंफर्म हो जाएगा ये आपको विद इन 24 आवर्स और जल्दी आपको भेज देंगे ये, फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को बनाना। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि रेडॉन ग्रुप से जो ईमेल आएगा, cPanel डिटेल्स आएंगी, वो किस टाइप से आपके पास आएंगी, अवेलेबल होंगी, तो वो चीज़ भी मैं आपको दिखा देता हूँ, कैसे आपके पास ईमेल आएगा जिसमें आप डिटेल्स चेक कर सकते हैं।
तो ये मेरा ईमेल आईडी ओपन हो गई, मैं इसमें चेक कर लेता हूँ। हाँ, एक और चीज़, आप स्पैम फोल्डर में भी एक बार चेक कर लेना। कभी कभी ऐसे होते हैं कि कुछ ईमेल्स स्पैम फोल्डर में आते हैं और कुछ, अब ये देख सकते हैं कि वेब होस्टिंग की सी पैनल अकाउंट डिटेल्स ये स्पैम फोल्डर में आ गई है। मैं नॉट स्पैम कर देता हूँ यहाँ से, और ये अब मेरे इनबॉक्स में आ गई। ठीक है, तो यहाँ से अब मैं चेक कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे सी पैनल्स की डिटेल्स मिल जाएंगी, क्या क्या डिटेल्स है। मेरा डोमेन नेम आ गया इसमें, आईपी एड्रेस आ गया, और आपका नेम सर्वर वगैरह आ गया। नेम सर्वर आपको चेंज करना होगा, ठीक है, और आपकी ईमेल आईडी आ गई, पैकेज आ गया, कौन सा पैकेज आपने परचेज़ किया होगा वो पैकेज आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और जब आप डोमेन को परचेज़ कर लेंगे उसके बाद आपको नेम सर्वर चेंज करना होगा। जो भी नेम सर्वर इनकी तरफ से, होस्टिंग की तरफ से आता है, होस्टिंग कंपनी की तरफ से, वो नेम सर्वर हमें रखना होता है। वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप रखोगे। तो जहाँ से भी आपने डोमेन को परचेज़ किया है वहाँ पर साइन इन कर लीजिए, लॉग इन कर लीजिए उस अकाउंट में। और जैसे ही आप लॉग इन करेंगे आईडी पासवर्ड एंटर करके, मैंने गोडैडी से परचेज़ किया था अपना डोमेन, तो मैं लॉग इन कर लेता हूँ और आईडी पासवर्ड इसका यूज़र नेम एंटर कर देता हूँ। मैं एंटर कर गया हूँ, लॉगिन हो गया मेरा अकाउंट। और अब मुझे अपना चेक करना है कि माय प्रोडक्ट्स में क्या क्या प्रोडक्ट्स मेरे अकाउंट में अवेलेबल हैं। तो आपको दिख जाएगा कि मेरे पास एक डोमेन अवेलेबल है, ये आप डोमेन चेक कर सकते हैं। तो इस डोमेन पर मुझे नेम सर्वर चेंज करने होंगे। तो नेम सर्वर के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या करना होगा। सिंपल, आपको ये जो साइड में डोमेन मतलब दिख रहा है आपको लेफ्ट साइड में, उस पर क्लिक करिए डोमेन के ऊपर। और जैसे ही इस बॉक्स पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। तो आपके सामने ये पेज ओपन हो गया। इसके अलावा आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आपकी एक्सपायरी डेट भी दिखाएगा डोमेन की, कि कब तक डोमेन आपका चलेगा, कब एक्सपायर हो जाएगा, सब कुछ दिखाएगा। और बिलिंग एड्रेस वगैरह सब कुछ दिखाएगा आपका। तो यहाँ पर आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, आपको मैनेज DNS पर क्लिक करना है। जैसे आप मैनेज DNS पर क्लिक करेंगे आपको नेम सर्वर दिखाई देंगे। तो मैंने अपडेट कर दिए हैं नेम सर्वर, तो इसीलिए ये जो नेम सर्वर हैं आप इनकी जगह आप चेंज कर सकते हैं। जो भी नेम सर्वर आपके आए हैं वो नेम सर्वर आप रख सकते हैं। यहीं पर आपको जो दो नेम सर्वर दिए होते हैं कंपनी की तरफ से वो रखने होते हैं, उसके बाद ही फर्दर प्रोसेस आपकी स्टार्ट होगी। नेम सर्वर चेंज करने के बाद आप सेव पर क्लिक कर दीजिए। लेकिन मेरे नेम सर्वर पहले से ही अपडेटेड हैं तो इसलिए मुझे चेंज नहीं करने हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चेंज कर सकते हैं। यहीं से आपको नेम सर्वर चेंज करने हैं। अब ये प्रोसेस हो गया। अब इसके बाद आपको अपने सी पैनल अकाउंट में लॉगिन होना है। अब यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना बिल्कुल भी, बस ओनली नेम सर्वर चेंज करने का काम होता है। जब हम फर्स्ट टाइम डोमेन परचेज़ करते हैं तो हमें नेम सर्वर चेंज करने होते हैं। और अब हमें सी पैनल अकाउंट में लॉगिन होना है। तो सिंपल, हमने जो भी डोमेन परचेज़ किया है उसको स्लैश करके और सी पैनल हम एंटर करेंगे तो हम उसके सी पैनल लॉगिन पर पहुंच जाएंगे। और वहाँ से हमें यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करना है, जो भी हमारी हमें भेजा गया है ईमेल आईडी पर वो हमें एंटर करना है। और जैसे ही हम एंटर करेंगे, लॉगिन करेंगे इसको, तो लॉगिन हो जाएगा हमारा। देखिए आपको दिख रहा है लॉगिन सक्सेसफुल, अभी हमारा सी पैनल अकाउंट ओपन हो जाएगा।
अब यहाँ से हमारी डिज़ाइनिंग की प्रोसेस स्टार्ट होगी। यहीं से हम सीखेंगे कि कैसे हमें वेबसाइट को डिज़ाइन करना है, एक प्रोफेशनल वेबसाइट को बनाना हम सीखेंगे इस वीडियो में। और इसी तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वेबसाइट आप सीख सकते हैं, देख सकते हहैं। तो ये आपका सी पैनल का इंटरफेस है, आप चेक कर सकते हैं कि कैसा इंटरफेस है। इसमें आपका सबसे फर्स्ट सेक्शन ईमेल का है, जिसमें ईमेल अकाउंट्स, ईमेल फॉरवर्डर्स, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी देख सकते हैं, कोई भी ऑप्शन क्लिक करके उसको देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। अब सिंपल हमें तो वेब डिज़ाइनिंग स्टार्ट करनी है, वेबसाइट डिज़ाइन करना है, तो हम सर्च करेंगे यहाँ पर सॉफ्टाकुलस, जहाँ से हमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करना होता है। तो हम सॉफ्टाकुलस को सर्च करेंगे और हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि हम सभी वेबसाइट वर्डप्रेस पर बनाएंगे। डोमेन सर्च करके आप देख सकते हैं कि कौन कौन से डोमेन इस cPanel में अटैच हैं, कौन कौन से सब डोमेन पर वेबसाइट इंस्टॉल हैं, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। सब डोमेन आप क्रिएट कर सकते हैं, उस पर आप ईमेल मतलब आप वेबसाइट बना बना कर देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन हमें बेसिकली अभी सॉफ्टाकुलस एप्स इंस्टॉलर पर जाना है, जहाँ से हमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है और हमें वेबसाइट डिज़ाइनिंग स्टार्ट करनी है। अब ये वर्डप्रेस आपको सबसे पहले ही दिख जाएगा, आप इंस्टॉल पर क्लिक कर सकते हैं। इंस्टॉल पर क्लिक करने के बाद आप वर्जन सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा वर्जन सेलेक्ट करना है वर्डप्रेस का, और इसके बाद आप डोमेन चूज़ कर सकते हैं कि कौन सा डोमेन चूज़ करना है आपको, या सब डोमेन में इंस्टॉल करना है तो सब डोमेन भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और मुझे एक डायरेक्टरी में इंस्टॉल करना है वर्डप्रेस को, तो मैंने इसीलिए एक डायरेक्टरी का नाम ऐड कर दिया है डेमो वेबसाइट करके, और यहाँ पर मैं इसको दे देता हूँ नेम डेमो वेबसाइट। और इसी तरीके से मैं साइट का डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ माय फर्स्ट वेबसाइट, और वर्डप्रेस एडमिन पैनल का अकाउंट यानी यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट करना है आपको। अच्छा सा पासवर्ड और यूज़र नेम क्रिएट कर लीजिए। एक पासवर्ड मैं क्रिएट कर लेता हूँ इसका, और एडमिन ईमेल आईडी एंटर कर देते हैं। सिंपल प्रोसेस है, कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसानी से आप सीख जाओगे कि कैसे हम वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं, और आप भी अपने बिजनेस के लिए या किसी क्लाइंट के लिए वेबसाइट डिज़ाइन करके दे सकते हैं और काफ़ी अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का मतलब ही यही है, इस कोर्स को बनाने का, कि आप सेल्फ अर्निंग का एक सोर्स निकाल सकें, एक फ्रीलांसिंग का सोर्स आप घर बैठे इनकम कर सकें अच्छे से। और ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि बैकअप्स आपको लेने हैं नहीं लेने। जब क्लाइंट की वेबसाइट होती है तो हमें बैकअप्स चाहिए होते हैं, फ़िलहाल मैं इसके लिए बैकअप्स नहीं लेता हूँ, क्योंकि ये तो मैं सिंपल डेमो के तौर पर बना रहा हूँ वेबसाइट को। और इंस्टॉल पर सिंपल क्लिक करना है, जैसे ही आप इंस्टॉल पर क्लिक करोगे तो वर्डप्रेस आपकी वेबसाइट में इंस्टॉल हो जाएगा। अभी आपने देखा कि वो पेज नॉट फाउंड बता रहा है, लेकिन इसके बाद जब जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा आपका वर्डप्रेस, तब आप दोबारा सर्च करोगे, रिसर्च करोगे, तो आपको दिखाई देगा कि वर्डप्रेस इसमें इंस्टॉल हो गया है। फिर आपको फर्दर काम करना है,
अब ये देख सकते हैं आप एडमिनिस्ट्रेटिव यूआरएल में जाके, जैसे ही आप एडमिनिस्ट्रेटिव यूआरएल पर क्लिक करोगे तो आप मेन डैशबोर्ड में पहुंच जाओगे। और डोमेन यूआरएल पर क्लिक करोगे तो आप वेबसाइट आपको दिखेगी कि जो भी आपने, देखिए हमने ये अभी इंस्टॉल किया था इस डोमेन पर, तो ये हमें वेबसाइट दिख रही है कि वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया है। और हमें डैशबोर्ड में जाना है, एडमिन पैनल पर जाना है, तो हम ओपन कर लेते हैं एडमिन पैनल को। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि डैशबोर्ड ओपन हो रहा है। तो इसी तरीके से आपका भी डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है, लेकिन अभी वेबसाइट देखने में एक बेकार वेबसाइट लग रही है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा उसमें। तो वो चीज़ भी आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी, और मैं आपको बहुत ही फास्ट तरीके से वेबसाइट डिज़ाइन करना बताऊँगा। कुछ टेम्पलेट्स लूँगा रेडीमेड, वहाँ से हम वेबसाइट करेंगे जल्दी से डिज़ाइन, क्योंकि फुल वेबसाइट डिज़ाइन करने बैठेंगे तो टाइम लगेगा। लेकिन कुछ टेम्पलेट्स थीम्स आती हैं जिनके थ्रू हम डायरेक्ट वेबसाइट को बना सकते हैं, फिर उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो अभी जो प्लगइन्स हैं, जो भी इंस्टॉल प्लगइन्स हैं, वो हम उसको डिलीट कर देते हैं। प्री इंस्टॉल्ड प्लगइन्स आते हैं वर्डप्रेस में, इनको हम डिलीट कर देते हैं और अपने थीम्स एंड प्लगइन्स को हम इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले हम थीम्स को इंस्टॉल करते हैं। तो थीम्स जो बेसिकली ज़्यादातर सभी डेवलपर्स जो थीम्स का यूज़ करते हैं वो आपकी एस्ट्रा थीम है, हम भी उसका यूज़ करेंगे। काफ़ी अच्छी थीम है और इजीली हम उस पर वेबसाइट बना सकते हैं विद इन 10-20 मिनट्स। दस या 20 मिनट में हम वेबसाइट रेडी कर सकते हैं एस्ट्रा थीम के थ्रू। तो हमें सर्च करना है सिंपल ऐड थीम्स में एस्ट्रा, और नंबर वन पर आपको दिख जाएगी वो थीम। हाँ, ये आप चेक कर सकते हैं कि एस्ट्रा आ गई है नंबर वन पर, और आपको सिंपल इस थीम को इंस्टॉल करना है और कुछ नहीं करना। इसके बारे में आप चेक कर सकते हैं डिटेल्स। एस्ट्रा फास्ट थीम है, कस्टमाइजेबल है काफ़ी, और फ्री ऑफ कॉस्ट थीम अवेलेबल है। तो हम जितने भी वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं वर्डप्रेस में, थीम्स और प्लगइन्स का ही कमाल है। हर तरह की वेबसाइट को आप डिज़ाइन कर सकते हैं वर्डप्रेस में प्लगइन्स और थीम्स के थ्रू, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा जो यूज़ करता हूँ वो एस्ट्रा थीम को यूज़ करता हूँ। तो इसीलिए आपको भी बता रहा हूँ वही थीम, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी थीम है, इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं कस्टमाइजेशन के। तो आप भी इस थीम को इंस्टॉल कर लीजिए, और जैसे ही ये थीम इंस्टॉल हो जाएगी उसके बाद हमें एक्टिवेट करना होगा। और आप देखते जाइए कि काफ़ी फास्ट तरीके से वेबसाइट डिज़ाइन होगी, और सब जितनी भी स्टेप्स मैंने फॉलो की हैं वो स्टेप्स आपको भी फॉलो करनी है। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप पूछ सकते हैं, मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं अपनी ईमेल आईडी दे दूँगा, तो ईमेल के थ्रू आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने एक्टिवेट किए थीम को तो आ गया हमारे पास एक मैसेज, थैंक यू फॉर इंस्टॉलिंग एस्ट्रा।
और उसके बाद हमें स्टार्टर टेम्पलेट्स इंस्टॉल करने हैं, जिससे कि हमारे कुछ टेम्पलेट्स हमें अवेलेबल मिलेंगे, रेडीमेड टेम्पलेट बने हुए रखे होंगे एस्ट्रा साइट्स के। अब आप व्यू देख सकते हैं कि थोड़ा सा चेंज हो गया, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं लग रहा कि ये वेबसाइट है, काफ़ी बेकार सी लग रही है ना। लेकिन थीम चेंज हो चुकी है, एस्ट्रा वर्डप्रेस थीम इंस्टॉल हो गई है। तो अब इसको अच्छा लुक देने के लिए सिंपल आपको स्टार्टर टेम्पलेट्स एक्टिवेट करना है और एलिमेंटर सेलेक्ट करना है, क्योंकि हम एलिमेंटर पर ही काम करेंगे। एलिमेंटर पेज बिल्डर काफ़ी फास्ट और काफ़ी अच्छा पेज बिल्डर है, इसमें काफ़ी क्रिएटिव वेबसाइट्स हम डिज़ाइन कर सकते हैं, और ज़्यादातर कंपनीज़ एलिमेंटर का यूज़ करती हैं वेबसाइट्स को डिज़ाइन करने के लिए, तो ये इसीलिए काफ़ी अच्छा रहता है। तो हम कोई भी फ्री टेम्पलेट्स, ये आप देख सकते हैं इसी टाइप की आपकी वेबसाइट हो जाएंगी, आप कोई भी टेम्पलेट्स को उठा सकते हैं। तो मैं भी देख लेता हूँ कि कौन सा टेम्पलेट लेना है। अगर एस्ट्रा का आपके पास प्रो वर्ज़न होगा तो आपको प्रीमियम टेम्पलेट्स का एक्सेस भी मिल जाएगा, लेकिन मैं तो फ्री वर्ज़न, फ्री में वेबसाइट बनाना सिखा रहा हूँ, तो इसलिए फ्री टेम्पलेट्स का यूज़ करेंगे और फ्री में एक अच्छी वेबसाइट बनाएंगे। तो एक टेम्पलेट में कोई सा भी सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसी पर हम वर्क करेंगे, स्मॉल स्मॉल चेंजेस करेंगे। उसी तरह से आप जो भी चेंजेस करना चाहें तो आप कर सकते हैं, और कोई भी आपको दिक्कत आए तो आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं एक टेम्पलेट को ले लेता हूँ, काफ़ी सारे फ्री टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, जो भी आपकी चॉइस हो उस टेम्पलेट को आप चूज़ कर सकते हैं, जिस टाइप की वेबसाइट आप बनाना चाह रहे हैं उस टाइप का टेम्पलेट आप उठा सकते हैं और देख सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। मुझे एक कॉर्पोरेट वेबसाइट बनानी है तो मैं उसी टाइप का कोई टेम्पलेट देख रहा हूँ। हाँ, तो मैं ये टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, अकाउंटेंट वाला टेम्पलेट अच्छा लग रहा है मुझे, सिंपल भी है और अच्छा भी लग रहा है। तो ये आप देख सकते हैं और प्रीव्यू भी आप चेक कर सकते हैं इस टेम्पलेट का, कैसा आपको दिखेगा वेबसाइट डिज़ाइन होने के बाद। और इसी टेम्पलेट को मुझे रखना है, तो इसीलिए मैं इसी टेम्पलेट को इम्पोर्ट कर लूँगा। ये प्रीव्यू इसका अच्छे से नहीं दिख रहा है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है प्रीव्यू, लेकिन ये अच्छा नहीं दिखा पा रहा अभी। तो ये आप चेक कर सकते हैं, लेकिन वैसे आपको इस टाइप से दिखाई देगा जैसे आप देख रहे हैं, मैं स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ। तो इसी टाइप से आपकी वेबसाइट बन जाएगी, रेडी हो जाएगी, और इसमें काफ़ी सारे पेजेस एक बार में क्रिएट हो जाएंगे। जैसे हम इम्पोर्ट करेंगे आपका होम पेज रेडी हो जाएगा, अबाउट अस पेज, सर्विस पेज, व्हाई चूज़ मी, टेस्टिमोनियल्स एंड कॉन्टैक्ट पेज, ये सारे पेजेस आपके रेडी हो जाएंगे सिंपल वन क्लिक पर। और आपको एक पेज इंपोर्ट करना है तो होम पेज भी इंपोर्ट कर सकते हैं आप, आपकी चॉइस है, लेकिन मुझे कंप्लीट साइट इंपोर्ट करनी है, कंप्लीट टेम्पलेट इंपोर्ट करना है, तो इसीलिए मैं इंपोर्ट कंप्लीट साइट पर क्लिक कर देता हूं। और ये मेरी प्रोसेस स्टार्ट हो गई इंपोर्टिंग की, अब इसमें कुछ टाइम लगेगा, तो जब तक इस प्रोसेस को आप चलने दीजिए। और अभी आप वेबसाइट को देख रहे हैं कि कोई लुक आया नहीं है, अभी वैसी ही वेबसाइट है जो हमारी डेमो वेबसाइट है, लेकिन जैसे ही टेम्पलेट इंपोर्ट हो जाएगा तो आप देखेंगे कि हाँ, प्रीमियम लुकिंग वेबसाइट आपकी रेडी हो गई है। एक बार इसको इंस्टॉल होने दीजिए, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, 5 से 10 मिनट भी लग सकते हैं, वैसे जल्दी हो जाता है, 3-4 मिनट में इंपोर्ट हो जाता है कम्प्लीट। तो इसको इंपोर्ट होने देते हैं,
जितने भी नेसेसरी प्लगइन्स हैं वो सब एक्टिवेट कर लेगा ये, और एक कंप्लीट हमें वेबसाइट रेडी करके दे देगा सिर्फ एक क्लिक करने पर। अभी तक मैंने कुछ भी डिज़ाइनिंग स्टार्ट नहीं की है, कुछ भी स्टार्ट नहीं किया, सिंपल मैंने टेम्पलेट को इम्पोर्ट किया है। और ऐसे आप भी कर सकते हैं, आप भी वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। अभी देखिए लिखकर आ रहा है मैसेज इम्पोर्टिंग कंटेंट, अभी 0% है कंटेंट इम्पोर्ट। जैसे ही अब ये देखिए कितनी जल्दी हुआ कंप्लीट, अब ये कंप्लीट हो गया आपका इम्पोर्ट, हाँ इम्पोर्टेड सक्सेसफुली, और आपकी वेबसाइट जो है वो रेडी हो चुकी है। अब आप चेक कर सकते हैं अपनी वेबसाइट का लुक, अब एकदम आपकी वेबसाइट का लुक चेंज हो गया होगा, बिल्कुल एक प्रोफेशनल वेबसाइट हो गई होगी, अच्छी लगेगी वेबसाइट। पहले जो दिख रही थी एक सिंपल सी बेकार सी वेबसाइट, वो अब चेंज हो चुकी है सिर्फ एक क्लिक करने पर, और उसमें आप चेंजेस भी कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग एडिटिंग कर सकते हैं, क्रिएटिविटी बढ़ा सकते हैं उसमें आप जैसा आप चाहें। और जितना ज़्यादा आप टाइम दोगे इस पर सीखने के लिए उतना आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। अभी मैंने इस वीडियो में सिंपल आपको मतलब एक वेबसाइट बनाना दिखाया कि आप कैसे बना सकते हैं। ये देखिए आप वेबसाइट का लुक एकदम आपका चेंज हो चुका है, आप इसमें सब कुछ एडिट कर सकते हैं, अपना लोगो चेंज कर सकते हैं, मेनूज अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, बटन चेंज कर सकते हैं, जो गेट ऑफ कोर्ट का बटन है वो चेंज कर सकते हैं, नेम चेंज कर सकते हैं, कंटेंट चेंज कर सकते हैं, इमेजेस चेंज कर सकते हैं, एवरीथिंग इज़ कस्टमाइजेबल, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी चेंज कर सकते हैं, कोई भी सर्विस कुछ भी सब कुछ चेंज कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। सारी चीज़ें एडिटेबल हैं, सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, जो भी पेज चेंज करना है उस पेज पर एंटर करिए, उस पेज को सिलेक्ट करिए और एडिट विद एलिमेंटर कर दीजिए, ऊपर जो टॉप पर आपको दिख रहा है एडिट पेज के बराबर में एडिट विद एलिमेंटर, वहाँ से आप सिलेक्ट करके एडिट कर सकते हैं। और पेजेस आप देखिए सभी पेजेस रेडी होकर आ गए हमारे पास, जो पेजेस थे टेम्पलेट में वो सभी पेजेस रेडी हो गए, हमें अपना कंटेंट रखना है और इमेजेस या जो भी चीज़ चेंज करनी है वो चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और वेबसाइट जो है वो रेडी हो चुकी है आपकी, और लोगो वगैरह भी आप सब कुछ चेंज कर सकते हैं। हाँ कुछ कुछ वीडियोज़ मैं बना दूंगा सेपरेट, कोई भी आपको डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसकी वीडियोज़ मैं एक्स्ट्रा दे दूंगा आपको, जिससे कि आपको सीखने को मिले, ज़्यादा से ज़्यादा आप सीख सको। कोई भी चीज़ की दिक्कत आ रही हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए कॉन्टैक्ट फॉर्म भी आपका हो गया, और कॉन्टैक्ट फॉर्म कोई भी फिल करेगा आपकी ईमेल आईडी पर मैसेज आ जाया करेगा। वेबसाइट काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गई है हर बिजनेस के लिए, तो इसीलिए काफ़ी बड़ा सेक्टर हो गया, हर किसी को वेबसाइट की ज़रूरत है। तो ये आप भी सीख सकते हैं, अपने बिजनेस के लिए भी कर सकते हैं, और अगर आप स्टूडेंट हैं या फ्रेशर हैं या फिर आप कुछ सीखना चाहते हैं और जॉब करना चाहते हैं तो वो भी सीखकर आप जॉब भी कर सकते हैं एज अ वेब डिज़ाइनर, उस पर आप वर्क कर सकते हैं। और सैलरी भी काफ़ी अच्छी होती है वेब डिज़ाइनर की, और एक्सपीरियंस के साथ आपकी बढ़ती जाएगी सैलरी। और इस टाइम काफ़ी चीज़ें ऑनलाइन होती जा रही हैं तो हर किसी की नीड हो गई है आजकल, वेबसाइट सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम वेबसाइट की हर बिजनेस के लिए हर सेक्टर में। तो आप इस वीडियो को देखकर आप सीख सकते हैं अच्छे से, कंप्लीट वीडियो को देखिए, कोई भी स्टेप समझ में नहीं आ रही है कमेंट कर सकते हैं, दोबारा देख लीजिए उस चीज़ को जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है। आपकी वेबसाइट एकदम प्रीमियम लुक हो चुकी है, चेंज हो गई है डिज़ाइन एकदम अच्छी। अब इसमें हम छोटे छोटे चेंजेस करेंगे, जैसे नेम वगैरह वो हम चेंज करेंगे एडिट विद एलिमेंटर करके, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि एलिमेंटर पेज बिल्डर होता है जिसका हमने यूज़ किया है, इसके बारे में भी मैं बीच बीच में ट्यूटोरियल्स आपको देता रहूँगा, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना आए एलिमेंटर से, आप डिज़ाइन करना अच्छे से सीख जाओ, कोई भी प्रॉब्लम आती है आप भी कमेंट करके पूछ सकते हो।
तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, ये जो टेक्स्ट है वो चेंज कर सकते हैं। सिंपल उस पर क्लिक करना, जो भी चीज़ चेंज करनी है, इमेजेस चेंज करनी है तो इमेजेस पर आप सेलेक्ट करिए और चूज़ इमेज कर लीजिए। और अपने मीडिया में अगर लाइब्रेरी में आपके अवेलेबल है तो वहाँ से सेलेक्ट कर दीजिए इमेज, नहीं तो आप इम्पोर्ट कर सकते हैं या फ्री इमेजेस पिक्सावे से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मैं एक इमेज डाउनलोड कर देता हूँ, और कोई भी इमेज मैं डाउनलोड करके उसको लगा देता हूँ। ये इमेज मैं लगा देता हूँ। अभी आपको छोटी छोटी चीज़ें चेंजेस करके मैं दिखा रहा हूँ, आप भी चेंजेस कर सकते हैं इसी तरीके से। चेंज नहीं हुई दोबारा, एक सेकंड कोई प्रॉब्लम हो गई, अभी देखते हैं। हाँ, वो इंसर्ट मीडिया कर दिया, सेव एंड इंसर्ट नहीं करा तो इसलिए इमेज डाउनलोड नहीं हो पाई। अब ये चेंज हो जाएगी, सेव एंड इंसर्ट, देखिए हो गई चेंज। अब इसके अलावा यहाँ पर हम नेम चेंज कर सकते हैं, अपना इंस्टा टैग डाल देते हैं नेम। एवरी जो भी टेक्स्ट है वो एडिटेबल है, कुछ भी आप एडिट कर सकते हैं, अपना टेक्स्ट रख सकते हैं कुछ भी। और इसी टाइप से आप कंप्लीट एक वेबसाइट बना सकते हैं, और आप बनाकर कमेंट भी करना, मुझे भेजना जो भी आपने फर्स्ट वेबसाइट बनाई हो, जितनी अच्छी आप बना सकते हो उतनी अच्छी बनाओ, और मुझे आपको भेजनी है। और आपको मुझे वेबसाइट भेजनी है अपनी बनाकर, जो भी आप वेबसाइट बनाओ जैसी भी बनाओ तो मैं आपका चेक करूँगा, और उसमें जो भी प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको उसका प्रॉब्लम भी बताऊँगा क्या चीज़ की कमी है उसमें। तो आपको अपनी तरफ से एक अच्छी सी वेबसाइट बनानी है और उसका लिंक मुझे भेजना है, मैं चेक करूँगा। सभी कुछ एवरीथिंग इज चेंजेबल है, कुछ भी आप एडिट कर सकते हैं, कोई भी कमेंट, कोई भी टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं, बटन वगैरह सब कुछ, इमेजेस। और एलिमेंटर काफ़ी बड़ा पेज बिल्डर है, इसमें आप काफ़ी सारी चीज़ें बना सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। जब आप कस्टमाइज मतलब एक कस्टम वेबसाइट बनाओगे, अभी तो ये टेम्पलेट बेस्ड है, जब खुद आप कोई टेम्पलेट बनाओगे इसी टाइप का, तब आपको सारे फीचर्स सीखने को मिल जाएंगे, देखने को मिल जाएंगे एलिमेंटर के। इसका प्रो वर्जन जो होता है उसमें काफ़ी सारे फीचर्स होते हैं, प्रो वर्जन वैसे कॉस्टली पड़ता है, लेकिन आप अगर परचेज़ करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा कि आप कैसे कम प्राइस में कहां से परचेज़ कर सकते हैं। वैसे तो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है एलिमेंटर प्रो, लेकिन कुछ और भी तरीके होते हैं जिससे आप परचेज़ कर सकते हो इजीली, वही तरीके मैं आपको बता दूंगा अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो, कि कैसे आप कहां से परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन सिंपल जो फ्री वर्ज़न का अवेलेबल होता है उससे भी आप काफ़ी अच्छी बना सकते हैं वेबसाइट को, और इसमें सब कुछ चेंज कर सकते हैं, बटन का टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, बटन में लिंक दे सकते हैं कि इस पर बटन पर क्लिक करने पर कहां पर जाएगा कस्टमर या क्लाइंट, वो भी दे सकते हैं, लिंक सेट कर सकते हैं। और ये सारी इमेजेस टेक्स्ट कुछ भी, एवरीथिंग इज़ चेंजेबल, एवरीथिंग इज़ एडिटेबल, कुछ भी आप चेंज कर सकते हैं, टेस्टिमोनियल्स भी एडिट कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो ये इसी तरीके से ये होम पेज की सेटिंग हो गई, होम पेज पर चेंजेस हो गए। इसी तरीके से आपको अबाउट अस पर, सर्विसेज पर, जो भी आपके आपको कंटेंट अपने अकॉर्डिंग रखना है वो रख सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, और ख़ुद भी डिज़ाइन कर सकते हैं। एक वीडियो बनाऊंगा मैं आपके लिए, दूंगा मैं बनाकर वीडियो, जिसमें खुद टेम्पलेट डिज़ाइन करेंगे अपना एक पर्सनल टेम्पलेट अच्छा सा। लेकिन अभी फास्ट तरीके से मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप वेबसाइट को बना सकते हैं, रेडी रख सकते हैं, और अपडेट पर सेलेक्ट करने के बाद आप चेंजेस देख सकते हैं। कोई भी चेंजेस, जो भी चेंजेस आप देखेंगे, एक बार अपडेट कर दीजिए और वेबसाइट को रीलोड कर दीजिए, रिफ्रेश
तो आपके चेंजेस आपको दिख जाएंगे कि क्या आपने चेंजेस किए थे और कैसे लग रहे हैं चेंजेस। तो आप देख सकते हैं कि चेंजेस हो चुके हैं, हमने जो जो चेंजेस किए थे वो चेंज हो गए। इसी तरीके से आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं, लोगो भी चेंज कर सकते हैं। लोगों के लिए आपको कस्टमाइज ऑप्शन है ऊपर, उसमें जाना होगा, सब कुछ चेंज कर सकते हैं आप। और डीपली वीडियो भी मैं आपको मतलब कुछ कुछ जो छोटी छोटी वीडियोज़ होती हैं वो भी आपको बताऊँगा, टिप्स देता रहूँगा। लेकिन आप इसमें बेसिकली आप एक बिगनर के बराबर सीख जाएंगे कि कैसे करनी है वेबसाइट को बनाना, कैसे स्टार्ट करना है, क्योंकि स्टार्टिंग कोई नहीं बताता। एक बार स्टार्टिंग हो गई तो फिनिश तो आप कर ही देंगे, एक्सपर्ट तो आप बन ही जाएंगे खुद उसमें। लेकिन सपोर्ट चाहिए होता है स्टार्टिंग में। लोगो चेंज करना है तो यहाँ से आप जा सकते हैं, देखिए ग्लोबल में आप सिलेक्ट करेंगे तो ग्लोबल में और लोगो चेंज करना है तो आपको जाना होगा जैसे टिपोग्राफी यानी फॉन्ट चेंज करना है, फॉन्ट की डिज़ाइन या फॉन्ट स्टाइल या फॉन्ट का साइज़ जो भी चेंज करना है, हेडिंग का मतलब फॉन्ट फैमिली और उसका साइज़ हेडिंग का, तो वो भी आप चेंज कर सकते हो यहाँ से, है ना। देखो ये टेक्स्ट चेंज हो गया, टेक्स्ट चेंज किया मैंने तो टेक्स्ट चेंज हो गया। इसी तरीके से आप कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। लोगो चेंज करना है सिंपल, देखिए लोगो पर एडिट का ऑप्शन आने लगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप हॉवर कर रहे हैं लोगो के ऊपर तो वहाँ एडिट पेंसिल बन के आने लगी, उसको आप एडिट कर दीजिए लोगो रिमूव करके या चेंज लोगो। देखिए चेंज इमेज आ रहा है और रिमूव, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। मोबाइल के लिए भी आप रख सकते हैं लोगो, और डेस्कटॉप प्लस मोबाइल दोनों के लिए सेम लोगो भी रख सकते हैं, डिफरेंट लोगोज़ भी रख सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे हैं, आप ट्राई करेंगे तो आपको सब कुछ आ जाएगा समझ में। और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से फूटर में भी हम चेंजेस कर सकते हैं। जो फूटर में हमें ये दिख रहा है कि कॉपीराइट सी 2021 डेमो पावर्ड बाई डेमो, ये सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं हम। और इधर राइट साइड में मीनूज़ दिख रही हैं तो मीनूज़ भी चेंज कर सकते हैं हम अपने अकॉर्डिंग, कुछ भी रख सकते हैं। या फिर हमें मीनूज़ हटानी है तो वो भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं, आपके ऊपर है। पूरी डिज़ाइन फुल डिज़ाइन ये थीम का यूज़ मैं इसीलिए करता हूँ कि इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं कस्टमाइजिंग के, तो इसीलिए मैं इस थीम का पर्सनली यूज़ करता हूँ और मुझे काफ़ी अच्छी लगती है थीम, बिकॉज इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं कस्टमाइजेशन के, और फ्री में अवेलेबल है ये थीम। ये भी सबसे अच्छा बेनिफिट है इसका, और आप भी इसी थीम से ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा और भी थीम्स हैं, उनके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा आने वाली वीडियोज़ में, लेकिन फ़िलहाल आप इस थीम का यूज़ कर सकते हैं, अच्छी है। इस पर आप अपने एक्सपीरियंस लीजिए इस थीम का और देखिए कैसा लग रहा है आपको। और भी थीम्स हैं, उनके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। फॉर्म WP फॉर्म है जो कॉन्टैक्ट फॉर्म होता है, जिसमें कॉन्टैक्ट करेगा क्लाइंट आपसे या फिर कोई भी कस्टमर आपका, तो ये फॉर्म WP फॉर्म में क्रिएट होता है। यहाँ से हम कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, नया कॉन्टैक्ट फॉर्म बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। डिलीट मतलब कोई भी चीज़ हमें मान लो रखनी है, कोई फील्ड रखनी है, कोई रिमूव करनी है या ऐड करनी है, वो सब कुछ हम कर सकते हैं इसमें अपने अकॉर्डिंग। एवरीथिंग इज़ एडिटेबल, सब कुछ आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं अच्छे से।
जब आप एक वेबसाइट बनाकर ट्राई करेंगे तो आपको काफ़ी सारा एक्सपीरियंस होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, आप समझ जाओगे कि हाँ अब मैं कर सकता हूँ। फिर आप जब सेकंड वेबसाइट बनाओगे तो आपका और अच्छी बनाओगे आप, थर्ड बनाओगे फिर उसमें और क्रिएटिविटी आप ला सकते हो। इसी तरीके से आप 10 या 15 वेबसाइट जब आप बना लोगे तब आपको एकदम परफेक्शन आपके अंदर आएगा। और कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हो। ये मैं WP फॉर्म को एडिट कर रहा हूँ, देखिए बटन मैंने इसका एडिट कर दिया, सबमिट आने लगा, पहले गेट अपोर्ट आ रहा था और अब हमने सेव कर दिया। अब हम कॉन्टैक्ट पेज पर चेक करेंगे तो वो अपडेट हो गया होगा वहाँ पर, देखिए जो जो चीज़ हमने की थी वो सब अपडेट हो गई। ये हमने चीज़ ऐड की थी अभी तो वो आ गई इसमें, और सबमिट का बटन भी आ गया, पहले नहीं आ रहा था, पहले गेट अ कोड था। तो आप वहाँ से चेंज करोगे बैक एंड से तो फ्रंट एंड पर आपका दिखाई देगा। ठीक है, ये फ्रंट एंड हो गया आपका, वो बैक एंड हो गया जो एडमिन पैनल है। काफ़ी सारी चीज़ें आप कर सकते हो अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। कुछ प्लगइन्स के बारे में मैं आपको और बता देता हूँ जो कि काफ़ी यूज़फुल प्लगइन्स होते हैं किसी भी वेबसाइट के लिए। तो इसमें एक प्लगइन है आई थीम सिक्योरिटी, आप इस प्लगइन को डाउनलोड करोगे तो सिक्योरिटी के लिए प्लगइन होता है, आपकी वेबसाइट की सिक्योरिटी के लिए होता है। और देखिए आप इसके डाउनलोड्स भी देख सकते हैं, 1 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं इसके, तो आप खुद सोच सकते हो कि कितना अच्छा ये प्लगइन होगा आई थीम सिक्योरिटी। तो अब हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं और जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा इसको एक्टिवेट करने के बाद मैं आपको इसके फीचर्स दिखाऊंगा कुछ। हाँ, ये प्लगइन एक्टिवेट हो गया है। अब मैं आपको इसकी सेटिंग्स में जाकर दिखाता हूँ कि क्या क्या आपको मिलता है इसमें। जैसे ही आप सेटिंग पर क्लिक करोगे तो आपके सामने जो फर्स्ट इंटरफेस है वो ये दिखाई देगा, जिसमें आपका सिक्योरिटी चेक करेगा। आप इसको इनेबल करके और सिक्योर साइट कर दीजिए। कुछ एरर्स दिखाएगा आपको इसमें, कुछ मतलब सिक्योरिटी के लिए कहेगा ये फर्स्ट टाइम सिक्योरिटी चेक कर रहा है। हाँ, तो ये आप देख सकते हैं, तो इन पर आप सिलेक्ट कर दीजिए, एक्टिवेट नेटवर्क ब्रूट फोर्स प्रोटेक्शन एक्टिवेट कर दीजिए और रिडायरेक्ट HTTP to HTTPS यानी सिक्योर सर्वर रिडायरेक्ट हो। ठीक है, अब दोबारा हम साइट को रीस्कैन करेंगे तो सभी कुछ सही दिखाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, अब ये परफेक्ट हो गई। अब इसमें एक और फीचर है मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे जब हम एडमिन पैनल पर जाते हैं तो हमारा जो डोमेन होता है और उसके बाद /wp-admin ये होता है एडमिन पैनल पर जाने के लिए। तो इसको तो सभी लोग जानते हैं, कोई भी इस पर पहुंच सकता है, फिर वो पासवर्ड वगैरह ट्राई करके हो सकता है कि आपकी साइट को हैक कर ले। तो इस चीज़ को ही हम चेंज कर देंगे तो वो जा ही नहीं पाएगा, इस पेज पर जाएगा तो उसको 404 एरर दिखाई देगा। तो वही चीज़ हमें रखनी है, हमें बैकएंड को हाइड करना। मैं आपको दिखा देता हूँ सर्च करके, जैसे ये होता है आपका जनरल। ठीक
ठीक है, wp-admin जो भी साइट होती है उसके बाद स्लैश और wp-admin। तो यहाँ से आप डायरेक्ट, अभी मेरे में लॉगिन है तो इसलिए मैं डायरेक्ट डैशबोर्ड पर लॉगिन हो रहा हूँ, पहुँच रहा हूँ, लेकिन जब लॉगिन नहीं होगी तो हम लॉगिन पेज पर इस URL के थ्रू पहुँच जाएंगे। मैं आपको चेक करा देता हूँ एक बार, ठीक है। तो आप देखो अब ये हम लॉगिन पेज पर पहुँच गए। यहाँ पर हम ट्राई कर सकते हैं अपने यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के, या कोई भी ट्राई कर सकता है, क्योंकि ये जो URL होता है वो सभी को पता होता है, wp-admin। तो इसी को हमें हाइड करना है बैकेंड से, इसी को हमें हाइड करना है इसका बैकेंड, जिससे कि कोई इस पर नहीं पहुंच पाए। तो यहाँ से हम सिलेक्ट करके हाइड बैकेंड पर और इनेबल करके, और अपना कस्टम URL हम दे सकते हैं, wp-admin की जगह ये हमें डालना पड़ेगा तभी आएगा। जैसे मैंने दे दिया इसमें अपना कस्टम हाइड और SSD, ठीक है, ये दे देता हूँ मैं। तो अब मैं लॉगिन करूँगा तो इसी URL से लॉगिन होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ एक सेकेंड। हाँ, तो ये हो गया अपडेट, अब लॉगिन होगा तो इसी लॉगिन URL से होगा। जो पहले वाला था wp-admin वो अब काम नहीं करेगा। तो काफ़ी अच्छा होता है ये हाइड बैकेंड, क्योंकि हमें सिक्योर बनाना है WordPress साइट को, तो ये तो बहुत ही ज़रूरी होता है। अब ये देखिए wp-admin मैंने एंटर किया तो नॉट फाउंड दिखा रहा है, ठीक है, नॉट फाउंड लिख कर आने लगा, एंड अभी एरर 404 पेज आ जाएगा, नॉट फाउंड, पेज नॉट फाउंड करके। लेकिन जो अभी हमने ऐड किया हाइड SSD, वो URL जो हमने चेंज किया वो हम एंटर करेंगे तो इसी लॉगिन पेज पर हम पहुंचेंगे। और वो आपको ध्यान भी रखना, जब आप एडिट कर लोगे तो आपको वो ध्यान रखना, क्योंकि आपको तो एडमिन पैनल पर जाना पड़ेगा बार बार, तो उसका आपको लिख लेना है। और इसका ID, पासवर्ड, यूज़र नेम और पासवर्ड भी आप लिख लीजिए एडमिन पैनल का, एक जगह रख लीजिए सेव करके, जिससे कि आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए। ये देखिए आपका एरर पेज आ गया, डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये URL आपका एग्जिस्ट नहीं है wp-admin, तो अब आपकी कोई भी साइट को हैक नहीं कर पाएगा, उस URL तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि लॉगिन URL आपका कस्टम URL है, वो तो आपको ही पता होगा। तो वही URL आप डाल दीजिए, यहाँ पर एंटर कर दीजिए। तो मैंने जो एंटर किया था वो हाइड और SSD। अब देखिए मैं इसको एंटर करके करता हूँ तो मैं लॉगिन पेज पर एंटर हो जाऊँगा। देखिए लॉगिन पेज मेरे सामने ओपन हो गया। तो इसी टाइप से आप भी अच्छे से कर सकते हैं, और काफ़ी सारे इसके सिक्योरिटी फीचर्स हैं, तो ये प्लगइन सिक्योरिटी के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और भी प्लगइन्स के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा आने वाली वीडियोज़ में, एक कंप्लीट आपको पैकेज मिलेगा अच्छे से, जिसमें आप काफ़ी कुछ सीखोगे अच्छे से। ये भी आप लगा सकते हो अवे मोड, कि आप मान लो रात को 12 बजे से और सुबह 5 बजे तक आप चाहते हो कि कोई भी एक्सेस ना कर पाए कोई भी एडमिन पैनल को, तो आप सेट कर सकते हो, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हो, आपके ऊपर है ये भी ऑप्शन। तो काफ़ी सारे फीचर्स हैं। तो बेसिकली अभी तक जो मैंने आपको सिखाया, एक रेडीमेड टेम्पलेट से आपको वेबसाइट डिज़ाइन करना सिखा दिया, और आप प्रैक्टिस करोगे तो प्रोसेस अभी यही रहती है सेम। जब आप कस्टम टेम्पलेट अपना बनाओगे कोई भी टेम्पलेट, तब आपको थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगेगा और आपको सीखने को भी काफ़ी कुछ मिलेगा। ये मैंने एक बेसिक आपको बता दिया, बेसिक आइडिया आपको लग गया कि कैसे आपको यूज़ करना है, कैसे वेबसाइट बनानी है रेडीमेड जल्दी से फास्ट वेबसाइट अपने बिजनेस के लिए, तो आप इसमें सीख गए। तो इसी तरीके से आप काफ़ी सारी चीज़ें बना कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। और जब आप ये कोर्स कंप्लीट कर लोगे, इस वीडियो कंप्लीट देख लिया आपने, और भी वीडियोस इसकी आएंगी, और ये कोर्स आपका जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, काफ़ी कुछ, और एक कंप्लीट आप एक वेब डिज़ाइनर बन जाओगे। और आप ट्राई करना वेबसाइट बना कर और मुझे कमेंट करके भेजना जो भी आपने वेबसाइट बनाई हो। प्रोसेस सभी की सेम रहती है, सबसे पहले हमें होस्टिंग की ज़रूरत होती है, और होस्टिंग के बाद हमें डोमेन परचेज करना होता है, फिर उसके बाद हमें नेम सर्वर चेंज करना होता है डोमेन का, और डोमेन का जब हम नेम सर्वर चेंज कर देंगे तो उसके बाद हमें अपने होस्टिंग अकाउंट के cPanel में जाना होगा, अपने cPanel अकाउंट में, वहाँ से हमें
वर्डप्रेस इंस्टॉल करना होता है, और उसके बाद जब वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया था उसके बाद डिज़ाइनिंग स्टार्ट होती है। तो यही प्रोसेस रहती है सेम। तो इस टाइप से आप बना कर और किसी भी क्लाइंट के लिए भी बना सकते हो, आप अपने बिजनेस के लिए भी वेबसाइट को बना सकते हो, रेडी कर सकते हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर फ्यूचर में आप इसी टाइप की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर आप कोई सुझाव सजेशन देना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।